बेटा बात सुन, ये आपके पैसे कट गए। थैंक यू अंकल। और ये रखिए ना आप। नहीं बेटा, मुझे नहीं चाहिए। अरे अंकल, ये मैं आपको अपनी ईमानदारी के लिए दे रहा हूँ। नहीं बेटा, ये आपके पैसे हैं, आपको दे दिए। और बेटा आगे से पैसों को संभाल के रखना। ठीक है अंकल, धन्यवाद। पापा लाओ पैसे दो। क्या करेगा बेटा? क्या करूंगा मतलब? अरे मुझे मेरे दोस्त के साथ पार्टी करनी है, पैसे दो। अच्छा देता हूँ बेटा। बस इतने से? अरे इतने में क्या होगा, और पैसे दो मुझे। बेटा आज इतना ही काम हुआ, अब मैं और कहाँ से लाऊं? मैं इतना नहीं कमाता जो तू रोज आके अपने दोस्तों में जाकर उड़ा दे। बेटा कुछ बचत करना सीख, तो मेरा काम वैसे ही ढीला चल रहा है। अरे तो काम नहीं चल रहा तो मैं क्या करूँ? तुम्हारा काम है पैसे कमाना, तो कमाओ। और मैं जो भी करूँ तुम्हें बता के नहीं करूँगा। पैसे दो। नहीं बेटा ये और है। हेलो, मैं पैसे आ गए मेरे पास। एक काम कर, अपनी गर्लफ्रेंड को भी ले आइयो, बहुत पैसे आज मेरे पास। हेलो, एक मिनट इधर आना। कौन हो तुम और क्या चाहिए? तुम्हारे पास एक अच्छा मोबाइल है, अच्छे कपड़े भी पहने हुए, ये तुम्हें पता किसकी वजह से मिले? तुम्हारे पापा की वजह से। और तुम जो पैसा वो धूप में खड़े हो गए मेहनत करके कमाते हैं, वो तुम अपने दोस्तों पे उड़ा देते हो, पार्टी में उड़ा देते हो। कभी तुमने जानने की कोशिश की है उन्हें ये पैसा कमाने के लिए क्या क्या झेलना पड़ता है? आज अपनी आंखों से देखो। अंकल टमाटर कैसे दिए? 60 रुपए किलो। क्या बात कर रहे हो अंकल, हर जगह 40 के मिल रहे हैं, आपने तो लूट मचा रखी है। बिल्कुल मुझे 40 के चाहिए, आपको देने दो नहीं तो रखो अपने पास। चलो ले जाओ। चलो अंकल, प्याज कितने के है? प्याज 80 रुपए किलो है बेटा। 80 रुपए किलो? हाँ बेटा। क्या बात कर रहे हो अंकल, कम करो थोड़ा। बेटा कम लगूंगा। कितना? 60 रुपए किलो हो जाए। नहीं जी, आपकी प्याज चोर कहीं के। तुम्हारे पापा इतनी मेहनत और इतना सब कुछ इसलिए झेलते हैं ताकि तुम पढ़ लिख कर अपनी लाइफ में सेट हो जाओ और उन्हें इन सब से निकालो, उनके बुरे दिन दूर करो। पर तुम तो ऐसे काम कर रहे हो, उनके बुरे दिन खत्म नहीं और ज्यादा बुरे दिन लाने वाले काम कर रहे हो। अरे वो इतनी मेहनत करते, इतना सब कुछ झेलते हैं, तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि उन्हें ऐसे जलील करना चाहिए। पापा, पापा मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। आप हमारे लिए काम करते रहे और मैंने आपकी एक भी नहीं सुनी, आपसे इतनी बदतमीजी से बात करी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते। अब मैं फ्री टाइम में ना दोस्त के साथ कोई पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे आपकी मदद कराऊंगा, आपके साथ हाथ बटाऊंगा। आप बेटा, भगवान ऐसी बुद्धि सब बेटों को दे जैसे तुम्हें दी है।